डॉक्टर स्पेक्ट्रा में एस एन ठाकुर जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 68 इयर्स के हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटस का प्रॉब्लम पिछले 5-6 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी, नींद आने में दिक्कत होती थी, चिड़चिड़ापन होता था और सुनने में क्लैरिटी इश्यूज थे। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें 90% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और टिनाइटस का जर्नी जानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, एस एन ठाकुर जी के बिहाफ पे आप अपना ऑडियो फीडबैक दे रहे हैं हमें। सर आप बताएंगे पेशेंट की उम्र कितनी है और पेशेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं? पेशेंट जो मैं अभी लगभग 68 इयर्स है। ओके, और ये पटना बिहार से हैं। अच्छा सर, उनको सर कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम था? तो टिनाइटिस लगभग 6 साल हो, 5-6 साल हो रहा है। अच्छा, और उन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए कहाँ कहाँ दिखाया और डॉक्टर्स आपको क्या बोलते थे? मैंने तो उन्हें बहुत सारा डॉक्टर से इलाज करवाया, सभी लोग कुछ बोलते थे कि नस छुप चुका है या डिप्रेशन है, मतलब बहुत तो सारे कारण बता रहे थे, और लेकिन कहीं कारगर सिद्ध नहीं हुआ इलाज। अच्छा, परेशानी जस का तक बना हुआ ही रहता था। अच्छा, तो सर आपको कुछ आइडिया है कि उनको ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ था? उनको काफी लॉन्ग टाइम से दोनों कान में हियरिंग लॉस है, और इधर लगभग 5-6 साल से कान में धीरे धीरे मतलब साउंड टाइप का वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अच्छा। और कभी कभी इतना बढ़ता था कि रात में सही से सो भी नहीं पाते थे, मतलब काफी परेशानी में रहते थे 24 आवर्स। अच्छा, और जब आपको हमारे बारे में कैसे पता चला सर? मैंने यूट्यूब पे सर्च मतलब उनसे जो परेशानी है उनसे रिलेटेड सर्च मार रहे थे, तो आपके बारे में पता चला। उसके बाद फिर वहाँ से नंबर करके कॉन्टेक्ट किए, सारी जानकारी प्राप्त की। अच्छा। और उसके बाद फिर जैसा हुआ उसके बाद इलाज शुरू करवाया थे यहाँ से। सर पेशेंट को आवाज के साथ साथ और क्या क्या दिक्कत होती थी? देखिए उनका जो साउंड था इनर साउंड, उसमें बहुत सारा वेरिएशन था, साउंड एक जैसा नहीं था, मतलब क्या कहें, प्रेशर कुकर है, रेलवे का हॉर्न है, मतलब साउंड में काफी वेरिएशन था। और साउंड भी मतलब एक समान नहीं रहता था, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता था, यही सब पठानी थी उनको। अच्छा, तो जब उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो सबसे पहले उन्हें किन चीजों में आराम आना शुरू हुआ था? आपके यहाँ जब इलाज शुरू हुआ तब जो साउंड था वो साउंड में धीरे धीरे कमी आनी उनको महसूस हुई, लेकिन वही स्टार्टिंग के 4-5 महीने बाद ही उनको रिलैक्स महसूस हुआ। अच्छा, और सर अगर मैं आपसे अब पूछूं तो उन्हें 100 में से कितना परसेंट आराम है अभी फिलहाल? हाँ जी, लगभग 90% मान सकते हैं। ओके, तो जब उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और अभी उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ हमारे ट्रीटमेंट से? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सर जैसे आपको पता है बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और उन्हें पता नहीं है जाना कहाँ है, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे एस एन ठाकुर जी के बिहाफ पे? हाँ, जो भी इस बीमारी से मतलब फेस हो रहे हैं एक बार डॉक्टर संपर्क कीजिए, इस बीमारी में इनको काफी जो भी जाए परेशान हो रहे हैं उनको काफी राहत मिलेगी। ठीक है सर, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी वहाँ की लैंग्वेज में कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट्स को? कि उनको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो क्या करें इसके लिए? अच्छा, मैं जो भी कनेक्टर से पठानी को झेल रहे हैं वो एक बार डॉक्टर से संपर्क कीजिए, इंश्योर राहत उनको मिलेगी। ठीक है सर, एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने YouTube पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? ठीक है, थैंक यू सो मच सर।